शहर के गिट्टी खदान पुलिस थाना हद में 41,70,000 के धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। इस मामले की जांच पुलिस कर रही है। गिट्टी खदान थाना क्षेत्र में आरोपी ने एक सेवानिवृत्त महिला सेना कर्मचारी को पूरे 41,70,000 रुपयों का चूना लगा दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय सेना में स्टाफ नर्स के रूप में सेवानिवृत्त महिला घर में अकेली रहती है। विगत 15 जुलाई से 15 सितम्बर के बीच मोबाइल क्रमांक 8791680389 और 7627949029 और 8448362798 के आरोपी धारक ने महिला के साथ फेसबुक पर दोस्ती की। इसके बाद उसने मैत्रिका गिफ्ट भेजने के एवज में पैसे भरने के लिए कहा। आरोपी ने कैश छुड़ाने, मनी लॉन्ड्रिंग, पैसे की हेराफेरी आदि मामले में फंसाने की धमकी महिला को दी तथा जाली दस्तावेज तैयार कर महिला के व्हाट्सएप पर भेजे। आरोपी ने फाइन भरने के नाम पर महिला को विजया बैंक, इको बैंक, कैनरा बैंक, HDFC बैंक के विभिन्न खातों से पैसे भरने लगाए तथा कुल 41,70,000 रुपयों का चूना लगाया है। गिट्टी खदान पुलिस ने विविध धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। आरोपी ने तिचे त्यांच्याकरता गिफ्ट पाठवतो आणि गिफ्ट पाठवतो असे सांगितले, पाठवतो असे सांगितले आणि काही दिवसानंतर त्यांनी त्यांना फोनद्वारे माहिती दिली की तुमचे गिफ्ट हे दिल्ली ऑफिसमध्ये जमा झालेले आहेत, तर ते गिफ्ट तुम्ही सोडून घ्या असे त्यांनी सांगितले आणि सोबत नगदीसुद्धा पैसे आहेत हे सुद्धा त्यांनी सांगितले। तेव्हा फिर्यादीच्या पत्नीने सांगितले की मला पैशाची, मला नगदी पैसे नको, मला फक्त इकडं गिफ्ट हे करायची आहे। तेव्हा त्यांनी सांगितले की यामध्ये तुम्हाला $500 पहिले भरावे लागतील, त्याच्यानंतर तुम्हाला 40,000 रुपये फाईन भरावं लागेल, त्याच्यानंतर तुमच्यावर इन्कम टॅक्स चोरी आणि मनी लॉन्ड्रिंग बाबतसुद्धा गुन्हा दाखल होऊ शकतो असा धाक दाखवून फिर्यादीचे पत्नीकडून वेळोवेळी पैशाची मागणी करून त्यांनी जवळपास 41,70,000 रुपयाची फसवणूक फिर्यादीची पत्नीची केलेली आहे अशी तक्रार प्राप्त झाल्याने पोलीस स्टेशनला गुन्हा नोंद करण्यात आलेला आहे। कॅमेरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागडे के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट, NBC News नागपूर।